इस दुनिया में मौत से ज़्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे पास गैरेज में खड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। इस दुनिया में हर तरह के डिज़ाइन और रंग, महंगे कपड़े, जूते, महंगे उत्पाद सब मेरे घर में हैं, लेकिन मैं अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए छोटे गाउन में हूँ। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे घर मेरे लिए महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूँ। मैं इस दुनिया के 5-स्टार होटलों में से घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल में एक लैब से दूसरे लैब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक बार मैं 7 हेयर स्टाइलिस्ट रोज़ाना मेरे बाल सवारा करते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर लगभग बाल नहीं हैं। मैं दुनिया भर में कई तरह के हाई स्टार होटलों में भोजन करती रही हूँ, लेकिन आज दिन में 2 गोलियाँ और रात में नमक की 1 बूंद मेरी डाइट है। मैं दुनिया भर में अलग अलग विमानों में उड़ती रही, लेकिन आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे में जाने में मेरी मदद करते हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से आराम नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं और इबादत मुझे ज़िंदा रखते हैं। यह जीवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी संपदा के मालिक हैं, अंत में आप खाली हाथ जाते हैं। इसलिए दयालु बने, किसी की भी मदद करें तो आप कर सकते हैं। अपने धन और शक्ति के लिए लोगों को महत्व देने से बचें। अच्छे इंसानों से प्यार करो जो तुम्हारे लिए हैं, उन्हें संजोए रखो, किसी को दुख मत दो। अच्छे बनो, अच्छा करो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ